मैं हुसैन हुसैन वर्क के साथ और आज आपको मैं रिव्यू कराऊंगा नोकिया 3 का। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी लुक की तरफ आते हैं तो इसकी लुक काफ़ी एक्सीलेंट है और ये ब्लैक कलर में है और ये बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। अब इसकी डिस्प्ले की तरफ आते हैं तो इसकी डिस्प्ले 5 इंच है और 720 इसकी रेजोल्यूशन है। अब मैं सेटिंग पे जाकर इसके अबाउट फ़ोन में आया तो इसका मॉडल नोकिया 3 आपको तो ऐसे नज़र आ रहा होगा और एंड्रॉयड वर्जन 7.1.1 है, क्योंकि ये इसको पहले अपडेटेड नहीं है इसलिए इस ये शो होता है कि ये 2017 में ही जो इसका ओरिजिनल एंड्रॉयड वर्जन है वही है। ये देखिए मैं कुछ ला के दिखाता हूँ, इनमें 7 नगेट है। अब इसके कैमरे की तरफ आते हैं और इसके बैक और फ्रंट दोनों में ही 8 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है। मैं आपको इसमें से एक पिक्चर क्लिक करके दिखाता हूं और बाद में आपको दिखाता हूं कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। ये मैंने एक पिक्चर क्लिक की है और 8 मेगापिक्सल कैमरा है इसका और काफ़ी ही रिज़ल्ट इसका जो है इम्प्रेसिव है। और ये देखिए मैं मैक्सिमम जूम करता हूँ और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। नोकिया में यही अच्छी बात होती है, इनकी हार्डवेयर और कैमरा काफ़ी बेस्ट होता है। अब इसके फ्रंट कैमरे की तरफ आते हैं, ये मैंने एक पिक्चर क्लिक की है। ये देखिए काफ़ी ही नाइट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, रात का वक्त है और ये रात के वक्त इसका रिज़ल्ट काफ़ी ही इम्प्रेसिव है। और मुझे इस मोबाइल में जो ख़ास बात लगी है वो यही लगी है कि इसका फ्रंट कैमरा बहुत उसका अच्छा रिज़ल्ट है। अब इसके साउंड की तरफ आते हैं तो साउंड क्वालिटी ना ज़्यादा लाउड है ना बहुत कम है और ये इसकी साउंड क्वालिटी नॉर्मल सी है। ये गाना सुनिए, मैं कुछ सुनाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 2 GB रैम है और इसकी जो इंटरनल स्टोरेज है वो है 16 GB और इसमें कार्ड आप 64 GB और इससे अबव का डाल सकते हैं। अब इसकी बैटरी टाइमिंग की तरफ आते हैं तो इसके अंदर बैटरी 2630 की बैटरी इसके अंदर mAh की बैटरी है और उसकी टाइमिंग काफ़ी बेस्ट है। तकरीबन थोड़ा यूज़ करने से पूरा दिन गुजर जाता है आसानी से। अब इसके प्रोसेसर की तरफ आएँ तो इसके अंदर मीडिया टेक का 6737 प्रोसेसर है और इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड है वो भी मीडिया टेक। इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो भी मीडियाटेक का ही लगा हुआ है और गेमिंग परफॉर्मेंस भी इसकी काफ़ी ही अच्छी है।